पता नहीं क्या बात है, सुबह से शाम हो गई, मगर मजाल है किसी एक घाक ने भी यहाँ का रुख किया हो। अरे काम भैया, क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूँ परेशान मुँह लटकाए बैठे हो। क्या करूँ, ईद सर पर है और घाक है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भैया बड़ी ईद आने वाली है, सब जानवरों की खरीदो फरोख में लगे हैं। आप एक काम करो, कसाई का काम शुरू कर लो। कसाई का काम? मगर मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं। नहीं किया तो अब कर लो, बस छुरी ही तो फेरनी होती है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं अकेले कैसे करूँगा ये काम? अकेले क्यों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में कालू और राजू ने जंगल में एक दुकान ले ली और काम शुरू कर दिया। बकरा ईद करीब थी तो इसलिए पहले ही दिन कालू और राजू की दुकान पर रश लग गया। यार कामू, पहले ही दिन ग्राहकों की लाइन लग गई, हमारे तो मजे आ गए। बस अब कुछ ही दिनों में हम अच्छे खासे पैसे बना लेंगे। कालू भाई, हमें अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। देखो तो सही कैसे बातों में लगे हैं, यहाँ हम खड़े खड़े अकड़ रहे हैं। टोनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आज हमारी शॉप का पहला दिन है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही बातें कर रहे हैं हम। मेरे बेटे ने पूरे 3 लाख की गाय ली है और ईद के पहले दिन हमें उस गाय की कुर्बानी करनी है। ईद के पहले दिन सुबह सुबह टाइम पर आ जाना। 3 लाख की गाय? लगता है ये काफी मालदार है। इसकी गाय का रेट कम से कम 30 से 35 हजार होना चाहिए। आप सोचते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? कब से गूंगे बहरों की तरह खड़े हो। टोनी बहन, पहले दिन की कुर्बानी के 35 हजार होंगे। 35 हजार? कालू भाई, मैंने गाय का ऑपरेशन नहीं करवाना, गाय जिबा करनी है। गाय जिबा करने के रेट बताओ। ये सुनकर सारे पंछी हंसने लगते हैं। यार कालू भाई, हाथ हल्का रखो, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। टोनी बहन, आप 30 हजार रुपए दे देना। 30 हजार भी बहुत ज्यादा है। टोनी बहन, आप 25 हजार रुपए दे दो, लेकिन एडवांस पहले देना होगा। टोनी चिड़िया ने 25 हजार रुपए में डील डन की, 5 हजार रुपए एडवांस दिए और कालू और रामू को टाइम पे आने का कहकर वहाँ से चली गई। सुबह से शाम हो गई, सारा दिन कालू और कामू कुर्बानी का रेट डन करते रहे और एडवांस पकड़ते रहे। शाम को जब उन्होंने अपना गुल्लक देखा तो उनका गुल्लक पैसों से भरा हुआ था। इतने ज्यादा पैसे देखकर उनका लालच और भी बढ़ने लगा। यार रामू, ईद के जानवरों को जिबा करने के इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो जरा सोच उन जानवरों को बेचने के कितने पैसे मिलेंगे। हाँ क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं भाई। हमारे पास उन पंछियों के घरों का एड्रेस है जहाँ महंगे महंगे जानवर खड़े हैं। क्यों ना हम इससे पहले पहले वो जानवरों को चोरी करके मंडी में बेच दें? अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़नी है। ओहो, एक तो तू डरता बहुत है, फिकर ना कर, मेरे पास एक प्लान है। रात होते ही दोनों कौवे टोनी चिड़िया के घर के पीछे वाले पेड़ पे छुप गए। थोड़ी देर में जब टोनी चिड़िया सो गई तो कालू और रामू टोनी चिड़िया की गाय को लेकर दूसरे जंगल की तरफ निकल गए। इस तरह उन्होंने काफी घरों से जानवर चोरी किए और जंगल में ले जाकर एक जगह खड़े कर दिए। सुबह होते ही पूरे जंगल में कोहराम मच गया, हर तरफ एक ही आवाज आ रही थी कि हमारा जानवर चोरी हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, वो चोर मेरा 3 लाख का जानवर ले गया। अभी 2 दिन पहले ही तो आई थी, अभी तो मैंने ठीक से देखा तक नहीं था उसे।
और टोनी रो क्यों रही हो? याद करो, तुमने खुद ही तो अपनी गाय पे ट्रैकर लगाया था। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। इतना कहकर टोनी चिड़िया मोबाइल पे लोकेशन प्रेस करती है। लोकेशन प्रेस करके उसने पुलिस को बुलाया और वो उस जंगल पहुंच गई जहां उसकी गाय को कालू और रामू ने रखा था। टोनी चिड़िया जब वहां गई तो उसने देखा वहां उसकी गाय के अलावा और भी बहुत से जानवर थे। अभी वो छुपकर ये सब देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर कालू और रामू कौवे पे पड़ती है। अच्छा, तो ये सब इन दोनों कसाई कौवों की कारस्तानी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने ये सुनते ही कालू और रामू कौवे की खूब पिटाई की और उन्हें जेल में बंद कर दिया।